गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने में आज गॉल्जी एपरेटस जो सेल का एक कंपोनेंट्स है, सेल का जो एक सेल ऑर्गेनल्स है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह सेल ऑर्गेनल्स सेल के में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के नीचे पाया जाता है। यह मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और यह एक स्टैक्स के रूप में, जिस तरह से स्टैक्स एक के ऊपर एक रखा हुआ रहता है, इस तरह से यह अरेंज रहता है, जिसको हम लोग सिस्टर्न्स कहते हैं। ये सिस्टर्न्स भी मेम्ब्रेनस होते हैं और ये मेम्ब्रेन फिर आगे चल करके डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को भी जन्म देता है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, यह सेल बना हुआ है, यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नीचे यह स्टैक्स के फॉर्म में गॉल्जी एपरेटस है। इसे हम लोग गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसे कैमिलो गॉल्जी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अब यह जो सिस्टर्न्स मेम्ब्रेनस सिस्टर्न्स है, यह क्या कर रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के दूसरे प्रकार का कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है और वह मेम्ब्रेन सिस्टम फिर अपना अलग अलग कार्य करता है। आगे हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सेलुलर मेम्ब्रेन बनाता है। अब यह सेलुलर मेम्ब्रेन जो बना सिस्टम बनाता है, अब इसका फंक्शन क्या है? ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कि यह एक प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस के नीचे पाया जाता है, इसको गॉल्जी एपरेटस या गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि पैकेजिंग और डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में बनता है, उस मटेरियल को पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करते हैं। कब और कब किसके लिए? जो ऑर्गन्स को, जिस ऑर्गेनल्स तक पहुंचाते हैं, वहां के लिए हम लोग उसको पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है। नेक्स्ट है, इट आल्सो स्टोरेज मॉडिफिकेशंस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। यह स्टोरेज का भी काम करता है, पैकेजिंग का भी काम करता है, मॉडिफिकेशन का भी काम करता है। किसका? जो प्रोडक्ट्स बनता है वेसाइकल्स में, उसका। यह वेसाइकल्स में जो प्रोडक्ट बनता है, उसका स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का भी काम करता है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर। यह कॉम्प्लेक्स शुगर का भी फॉर्मेशन करता है। और यह कॉम्प्लेक्स शुगर कैसे बनता है? तो सिंपल शुगर से, सेल के अंदर जो सिंपल शुगर पाए जाते हैं, उस शुगर से यह कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण करता है। यह गॉल्जी एपरेटस का ही काम है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। यह बायोलॉजिकल सिंथेसिस करता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनेल्स का, जैसे कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स का निर्माण, जो बायोलॉजिकल सिंथेसिस होता है, यह गॉल्जी एपरेटस के द्वारा होता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह गॉल्जी एपरेटस एक सेल ऑर्गेनल्स है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के वर्क को करता है। जैसे कि जो प्रोडक्ट बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक, उस प्रोडक्ट को पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करता है अप टू द टारगेट ऑर्गन्स, आइदर इन द सेल्स एंड आउट ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट है कि यह स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग भी करता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है, यह कॉम्प्लेक्स शुगर से, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण करता है। एंड लास्ट है कि इट ऑल्सो सिंथेसाइज द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एंड लाइसोसोम्स। तो ये गॉल्जी एपरेटस का फंक्शन हो गया, आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब दूसरा टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक के लिए जय हिंद।